हेलो वीवर्स, तो ये है हमारा केरला डायरीज का कुछ थर्ड लास्ट डे जब हम केरला में रुके हुए थे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली गए थे किसी के पास मिलने के लिए, किसी रिलेटिव के पास। तो यहाँ के रास्ते में बहुत सारी हमने अलग अलग खेतियाँ देखी जो अलग अलग प्लांटिंग होती है, बट ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग था। ये सारा जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये सारा है पाइनएप्पल यानी कि अनानास की खेती। बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और यहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम यहाँ पे रिलेटिव के साथ मिल तो लिए थे, लेकिन इसके बाद जब मैं घर आई तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अशरफ भी इसी दिन वापस आने वाला था। तो अशरफ को ऑलरेडी डिस्चार्ज मिल चुका है हॉस्पिटल से और अशरफ घर पे आ चुका है। तो ये देखिए, हॉस्पिटल में 4 दिन रहने के बाद में, इसकी सर्जरी होने के बाद में ये घर पर आ चुका है और इतना मज़े में लेटा है। लेकिन हम सब लोग बहुत रिलैक्स थे कि अब किसी को एटलीस्ट हॉस्पिटल जाके रुकना नहीं पड़ेगा, वरना बहुत वो हैक्टिक होता है कि एक जन को हमेशा जाके हॉस्पिटल में रुकना होता है। और फाइनली फैरिज़ ने अशरफ को हॉस्पिटल से आने के बाद में फ़र्स्ट टाइम जब देखा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि इतनी मस्ती करा था और अशरफ को अलग ही स्माइल दे रहा था एवरी टाइम, जिससे कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया है मामू के घर पे आने से। मैम उसके साथ में उसके पेट पे बैठ के खेल ही रहा था। अब इसके बाद में तो हम लोग जस्ट नॉर्मल, अभी नेक्स्ट डे हम लोग की ट्रेन है तो थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। तो मैं यहाँ पे जो सूखी मच्छी होती है ना, उसके मार्केट में गई थी, तो बहुत अच्छी शॉप थी वहाँ पे, एक से एक जो है ना बड़ी बड़ी सूखी मछलियाँ थी। मतलब मैंने अपने लाइफ में कभी देखी नहीं है रियल में, जो मैंने यहाँ पे देखी थी। और इसमें बहुत सी मछलियाँ ऐसी भी थी जो मुझे पता ही नहीं थी, और शार्क मुझे पता थी, तो वो शार्क के जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना, वो सारे शार्क के हैं, वो अंकल ने कहा था। और अच्छा हुआ हमारे साथ में ट्रांसलेटर अंकल गए थे मेरे, वरना इनसे बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि इन्हें हिंदी या इंग्लिश कुछ नहीं आता था, सिर्फ मलयालम। तो पूरा ट्रांसलेट करवा के और जो भी प्राइजिंग था वो देकर हमने यहाँ पे फ़िश की शॉपिंग की थी। तो मुझे तो 2 ही फ़िश पता थी, तो वही मैंने ली है, एक बांगड़ा थी और एक कोई एक छोटी छोटी सी मछलियाँ थी। तो वो मैं केरला से लेके आई हूँ कि एटलीस्ट हमारे पास एक निशानी रहे कि हमने केरला से मछली की शॉपिंग की। तो ये देखिए बड़े बड़े यहाँ पे पूरे पीसेस हैं और पूरी ड्राइड मछलियाँ हैं, सारे हर वैरायटीज़ की। अब इसके बाद में हम लोग घर पे आ गए नाश्ता वाश्ता करके, फिर एक दूसरे जो मेरे मामू हैं उनके साथ में हम लोग यहाँ पे बीच पे गए थे। तो हम लोग कैसे पूरे जब से गए थे केरला में घूम नहीं पाए थे ज़्यादा, तो निकलने से पहले 1-2 दिन पहले, फिर जब अशरफ भी डिस्चार्ज हो गया, घर पे आ गया, तब हम लोग ने सोचा कि चलो अभी थोड़ा बहुत नज़दीक में हम घूम लेते हैं। तो ये मंजेश्वर में है बीच, बहुत अच्छी बीच है, आगे से तो बहुत क्लीन है, पीछे साइड में थोड़ा सा मतलब वीरान जैसा है, झाड़ टूटे हुए है और सब कुछ ऐसा मतलब बिखरा बिखरा है, बट आगे से जो बीच का साइड है वो अच्छा है। यहाँ पे तो ये सिर्फ पार्किंग एरिया है जहाँ पे हमने अपनी नॉर्मल कार जो है पार्क की हुई है। तो यहाँ पे बच्चे लोग आए हैं और सिर्फ आप ही और मैं हैं मामू के साथ में। तो यहाँ पे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया, मतलब वो लोग पानी देख के पागल हो गए थे। साथ में शहबाज भी आया है मेरा भाई, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पे। हालांकि मैं नहीं गई पानी में, क्योंकि मुझे पानी में जाना पसंद नहीं है। अभी एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है तो आँख नहीं खुल रही है, और मैं फेरिस को नहीं लाई हूँ, फेरिस सो रहा है अभी। तो जस्ट घर से बहुत नज़दीक है, लाइक 5-10 मिनट्स। तो हम लोग सिर्फ अकेले आए हैं और जस्ट 2 बच्चों को लाए साथ में घर के, एंड मामू अपने बच्चों को लाए हैं, तो बहुत कम लोग आए, सब लोग नहीं आए। और धूप बहुत ज़्यादा है, फेरिस का सोने का टाइम था, इसके लिए मैं अकेले आई हूँ। फहीम तो साथ में केरला ही नहीं आया, मैं अकेले हूँ केरला में। तो बस जस्ट हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग धूप है ना, मेरी आँख नहीं खुल रही एक्चुअली। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसा भी आगे लगता है पानी में। बच्चे लोग तो बहुत इन्जॉय करने वाले, क्योंकि वो लोग फुल क्लोथ्स वगैरह की तैयारी में आए हुए हैं। तो ये जो बीच है बहुत ज़्यादा क्लीन थी, और यहाँ की जो सेंट थी ना बिल्कुल अलग थी। और मामू और मोमानी जो है फुल तैयारी में आए थे, चादर ब्लैंकेट वगैरह सब लाए थे बिछा के बैठने के लिए, जिस पे सिर्फ मोमानी और मैं ही बैठे थे, बाकी सब लोग तो नॉर्मल पानी इन्जॉय कर रहे थे। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी पैर भिगाने के लिए, मुझे पानी में जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अगर बीच पे जाती भी हूँ तो बस थोड़ा बहुत पैर भिगा लिया, उतना ही काफ़ी है, मैं कभी नहीं भीगती हूँ। और ये है ज़ियान मियाँ, इसका एक्चुअली ना बहुत ज़ोर से वेव आ गई थी और उसको पूरा ऊपर तक भिगा दी थी, तो वो डर के पीछे जाके खड़ा हो गया, और इतना डर गया था कि दोबारा बोलता मैं पानी में नहीं आने वाला हूँ। फिर भी उसकी मामा ने उसको बहुत फोर्स करके बुलाया, और पूरा टाइम है ना अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के ही खड़ा था, बोलता है प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ना नहीं, ना तो मैं गिर जाऊँगा मम्मा। और एक्चुअली यहाँ पे वेव्स ना बहुत अच्छी आ रही थी, मतलब शायद चढ़ाव का टाइम होता है कहते हैं ना बीच पे, तो पानी ना चढ़ता जा रहा था, मतलब हम लोग बहुत दूर खड़े थे ना वहाँ पे भी पूरा ऊपर तक पैर आके हमारा भीग जा रहा था। और बच्चे लोग तो एकदम मतलब क्रेज़ी हो गए थे पानी के पीछे, और मामू और शहबाज जो है बहुत अंदर जाके पानी में इंजॉय कर रहे थे। और आपी भी जो है वो भीगी नहीं थी, बस बच्चों को पकड़ के खड़ी थी, क्योंकि उनके लायक पानी नहीं था, अगर उनको छोड़ देते तो शायद वेव्स है ना खींच लेते, इसके लिए उनका हाथ पकड़ना ज़रूरी था। अब ये देखना कैसे इसमें कैप्चर हुआ है ज़ियान का डर, ये वेव्स ने ना ज़ियान को पूरा सर तक भिगा दी थी लिटरली, ऐसा भागा है वो यहाँ से अप्पी का हाथ छोड़ के, ये देखो। और इसके बाद में वो पानी में आने राज़ी नहीं था, फिर से उसकी मम्मा ने उसको बहुत कन्विंस करके बुला ली थी अंदर पानी में।
और लिटरली रोने लगा था खड़े होके कि नहीं, मेरे पूरे सर तक पानी टच हो गया, मैं नहीं आने वाला। मतलब बहुत मस्ती कर रहा था। और फेरिस को तो मैं नहीं लाई ना, बिकॉज़ फेरिस अगर एक बार पानी दिखता है ना तो निकलता नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस मुझे वेव्स लग रही थी। मैं खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ मैंने उसे लाई नहीं, क्योंकि उसे रोकना इतना मुश्किल होता, और दूसरा पानी की वेव्स जो है बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो बस यहाँ से हमने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, बीच में भीगे, और बच्चों ने बहुत सारी जो की रेत थी कपड़ों में लेके गए, घर पे पूरा रेत रेत कर दिया। बट ठीक है, इसके बाद में तो अभी हम लोग नेक्स्ट डे निकलने वाले थे, तो जितना इन्जॉयमेंट हम ले सकते थे हमने कर लिया इन्जॉय। And now we are heading home. तो थोड़ा सा डर्टी है साइड में, बट बीच अंदर बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जो बच्चे पूरी तरह से गंदे थे, पूरे कपड़ों में रेते भर के रखे थे, इसके लिए हमने उनको पीछे बिठा दिया था, डिक्की में डाल दिया तीन बच्चों को, और एक गंदा बच्चा आगे बैठा है। तो चलिए अब ये वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, और हम मिलेंगे अगले और लास्ट वीडियो की केरला डायरीज से रिलेटेड, जिसमें होगा हमारा आखिरी वीडियो, जिसमें मैं आपको वीडियो बताऊंगी केरला से वापसी का हमारा सफर कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।